बिहार के मंत्री ईमानदारी से अपने संपत्ति का ब्यौरा दे दिया, भारत सरकार के किसी मंत्रियों का ब्यौरा देते हुए हमने नहीं देखा। कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी स्थिति क्या है? उन लोगों ने तो ब्यौरा नहीं दिया। असत्य का सहारा लेने वाला कोई भी नेता समाज के लिए बिल्कुल जहर का काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि साल के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के जितने भी मंत्री हैं, तमाम मंत्रियों ने अपने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। उसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके और राज्यसभा जो सांसद हैं सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठाया था। उनके सवालों का पलटवार करते हुए राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कह रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो में। सर, साल के आखिरी दिन सरकार द्वारा तमाम मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है, जहां पर तेजस्वी यादव के ब्यौरा पर सवाल उठा रहे हैं सुशील मोदी। कह रहे हैं कि 52 संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए हैं, कांति सिंह के द्वारा जो घर दिया गया उसका ब्यौरा कब देंगे? बिहार के मंत्री ईमानदारी से अपने संपत्ति का ब्यौरा दे दिया, भारत सरकार के किसी मंत्रियों का ब्यौरा देते हुए हमने नहीं देखा। और यह देश में परंपरा नहीं, कानून हो, नियम हो या परंपरा हो, तो श्री मोदी जी को कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी स्थिति क्या है? उन लोगों ने तो ब्यौरा नहीं दिया। और एफिडेविट पर संपत्ति के ब्यौरे के बाद असत्य का सहारा लेने वाला कोई भी नेता समाज के लिए बिल्कुल जहर का काम करता है। समाज के विश्वास को तोड़ करके अविश्वास की दीवार खड़ा करना किसी भी राजनीतिक आदमी के लिए बहुत बड़ा दोष है। कभी सुशील मोदी जी, ये तो बताओ कि नरेंद्र मोदी जी का और देश के अरबों रुपया लूट करके लेकर के देश से भागने वाले व्यापारियों का संपत्ति वापस करने का वादा इस देश से कहाँ गया? बिहार के सभी मंत्रियों ने शपथ पत्र पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। अब आप बताओ, जो हैं विरोध कर रहे हैं, जो गिनती गिन रहे हैं, उनको ये तो बताना चाहिए कि कौन सी संपत्ति रह गई है और चले जाओ कोर्ट में। ये तो शपथ पत्र का एक ही है नियम और कानून इस देश में, यदि आपने गलत कुछ कहा तो आप अपराध करोगे और अपराध के लिए, साबित करने के लिए, केस करने के लिए न्यायालय के सिवा और कोई जगह नहीं है। इसे जनता के द्वारा ठुकराए हुए इस बिहार के लोग, बहुत बड़बोलापन उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तभी आपने देखा जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आपको बता दें कि जिस तरीके से साल के आखिरी दिन बिहार सरकार के जो भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सभी लोगों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया था, उसके बाद सुशील मोदी ने सवाल उठाया था, तब राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह ने साफ साफ कह दिया कि अगर उनको लगता है कि वो ब्यौरा गलत है तो वो जाकर कोर्ट में केस करे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो तो अपने संपत्ति का ब्यौरा दे दिए, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के जितने भी मंत्री हैं वो लोग अपने संपत्ति का ब्यौरा कब देंगे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने वादा किया था कि जो भी व्यापारी देश से पैसा लेकर भागे हैं वो काला धन पैसा वापस हम लाएंगे, तो कब तक आखिर लाया जाएगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।